राम राम सा। गर्मी घनी पड़े, धूप तेज है, एवं आज मैं गर्मी नूं थोड़ो छुटकारा पाव वास्ते पुदीना और नींबू रो शरबत, यानी मारवाड़ी में बोले तो सिकंजी, सिकंजी बनान पियला। और आपने बताओ सिकंजी का कई फायदा, सिकंजी बनाने वास्ते अपन चाहिए जलजीरो है। तो हमारे पास हम लिए हैं मार्केट से जलजीरा और शक्कर, नींबू और पुदीना, और साथ में चाकू, और ये हम साथ में मिलेंगे गुलकोंडी। गुलकोंडी गुलकोंडी मिलाने से क्या है कि इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती है, और नींबू वैसे इम्यूनिटी शक्ति के लिए फायदेमंद ही होता है। हाँ तो नींबू के क्या क्या फायदे हैं वो हम दलाराम जी से पूछेंगे। नींबू से बहुत बड़े फायदे हैं। नींबू में आप कभी आपके मतलब जीव दौरा होता है, बिल्कुल, या एसिडिटी मतलब बोल सकते एसिडिटी हैं। होती है, या इंग्लिश में वोमेटिक क्या बोलते हैं, वोमेटिक होती है, मतलब जैसे आपको उल्टी होने की संभावना लग रही है। हाँ, तो आप नींबू फायदा करता है उस समय। और लगातार पानी पीने से, नींबू का पानी पीने से आपके शरीर में मोटापा घटता है। बिल्कुल, सुबह सुबह भूखे पेट और खाली पेट से नींबू पीने से मोटापा कम होता है। हाँ, और गर्मियों में नींबू पीने से इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती है, बढ़ती है। इसमें प्यास लगने की ज्यादा लगती है ना, तो उससे राहत मिलती है। नींबू पानी की मात्रा को बढ़ाता है शरीर में, और नींबू फायदा करता है शरीर में। तो इसके नींबू को किस प्रकार से बनाना है सिकंजी, उसके लिए हम वीडियो में बता रहे हैं आपको। इस प्रकार से नींबू के पीस कर लेने हैं 3-4 छोटे छोटे टुकड़ों में, और यहाँ पर ऐसे छोटे से काट कर बीज को हम अलग कर लेंगे इसमें। अब हम यहाँ पर ऐसे जूस निकाल रहे हैं, इसमें हमारे पास ये जूसर है देसी लकड़ी का बनाया हुआ। इसमें हम ऐसे नींबू लगा लेते हैं, और इसको प्रेस करने पर हमारे जो है नींबू का जूस उस देखिए गिलास में निकल रहा है। इस प्रकार से हम इस नींबू के जूस को लकड़ी के इस बॉक्स के जरिए सहायता से निकाल रहे हैं। अब एक ही गिलास में हम पूरा नींबू का जूस भर लेंगे पहले, फिर मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे शुगर, शक्कर, जिसको 3-3 चम्मच शक्कर, 3-3 चम्मच शक्कर डालेंगे। डायबिटीज वाले इसको थोड़ा शक्कर को कम डाल सकते हैं, शुगर फ्री वाले डाल सकते हैं, बिना डायबिटीज वाले इसको शक्कर डाल सकते हैं अच्छे से 3 चम्मच, क्योंकि ये हमारे पास बड़ी बड़ी गिलास है, बड़ी गिलास से मिलाकर डाल रहे हैं। थोड़ा डालेंगे इसके अंदर जलजीरा, तो जलजीरा हम इसमें मिक्स करेंगे। अब 1 चम्मच हम जलजीरा, एक नहीं 1.5 चम्मच, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा खट्टा हो जाएगा। हाँ, ज्यादा खट्टा हो जाएगा, 1.5 चम्मच मतलब पूरा 1 चम्मच नहीं डालेंगे, पूरा चम्मच भी नहीं ना। अब 1-1 चम्मच हम डाल रहे हैं इसके अंदर गुलकोंडी। तो ये जो शरबत हम बना रहे हैं, इसी टाइप का आप शरबत बनाकर अपने घर पे टेस्ट करिएगा, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बना रहे हैं हम। इसमें हमने आपके सामने देख लिया, आपने नींबू मिक्स किया है और जलजीरा मिक्स किया है, और अब हम शक्कर भी मिक्स कर चुके हैं। अब हम पुदीने के 2-3 पत्ते हैं जो इसमें, पुदीने का रस डालेंगे हम। वो हम रस किस प्रकार से डाल रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, ऐसे पुदीने के पत्तों को लेकर ऐसे कस देंगे, निचोड़ देंगे, और पुदीने के पत्ते डाल देंगे दबाकर तोड़ के। पुदीने का जो होता है अति गुणकारी होता है, पुदीना गर्मियों में बहुत ही लाभदायक, इसकी तासीर जो होती है ठंडी तासीर होती है, ठंडी होती है तासीर। तासीर से मतलब बताइए, कैसे मतलब? बूढ़िया बोलते हैं भाई, बड़े बुजुर्ग बताते हैं भाई, पुदीना पीने से शरीर में ठंडक का कार्य करते हैं। अच्छा, पानी पानी ऊपर ला पानी, तो हम इसमें पानी मिक्स कर रहे हैं, ये हम पानी मिक्स कर रहे हैं, ये गिलास भर गई हमारी। इसी प्रकार हम ये दूसरी गिलास को भी भर लेते हैं, तो पानी भर लिया हमने थोड़ा, हालांकि जलजीरे के अंदर काला नमक मिक्स होता है, लेकिन फिर भी हम ऊपर से डाल देते हैं, थोड़ा काला नमक डाल देते हैं। अब इसमें काला नमक वगैरह सब मिक्स कर दिया, अब अब उसे थोड़ा सा हिलाएंगे, हिलाकर पेस्ट टाइप एकदम बढ़िया बना देंगे। शक्कर शक्कर थोड़ा घुल जाए तो मिठास बढ़ जाएगा, इसकी महक कितनी प्यारी आ गई, खुशबू तो पुदीने रहा है बाबूजी, पुदीने से क्या है, सिकंजी की खुशबू से ही अपना दिल मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया। मेरे तो बाबूजी ऐसा है जैसे नींबू को मैंने रस निकाला ना, एकदम हुआ कि नींबू को यही खा लूं कच्चा, ऐसा लग रहा था जैसे मुंह में पानी आ रहा है पहले से। ये देखो बाबूजी, बोलो, आइए देखिए हमारी गिलास तैयार हो, तैयार हो चुकी है बाबूजी, और एक आप लेते हैं एक हम लेते हैं, लीजिए आपके लिए। वास्तव जैसे आप होटल में जाएंगे इस प्रकार से गिलास भर के देंगे, आपसे कम से कम 70 या 80 रुपए इस गिलास का लेंगे आराम से। सिकंजी का जो देसी तरीका है वो तो अलग ही है, पीने में कुछ और ही मजा आएगा, देखते हैं कैसी है। पागल है क्या? ओहो मजा आ गया, बहुत ही मस्त, बहुत मस्त है, आनंद आ गया बाबूजी। ऐसा है, ये आइटम जो है प्योरली गर्मी में पीने लायक है। अभी तेज धूप चिलचिलाती धूप में इस पानी को अपन सेवन करेंगे तो अपने पानी के अंदर, शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होगी, खटाई जो होती है
अच्छी होती है, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, फुल पानी की कमी रखेगा। और नींबू तो आपको पता ही है, नींबू का कई गुणकारी फायदे हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो।